नमस्कार साथियों, विद्यालय का यदि कोई कार्मिक विद्यालय छोड़कर किसी भी कार्य से बाहर जाता है तो ऐसी कंडीशन में पीईओ यूसीओ महोदय द्वारा उनका ऑर्डर शाला दर्पण से ही जारी करना होगा। शाला दर्पण से संबंधित कार्मिक को ऑर्डर कैसे जारी करना है, ऑर्डर जारी करते समय आपको कौन सी प्रक्रिया अपनानी है, यही जानकारी मैं रामनिवास मेहरा आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है साथियों, इसलिए आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से कार्मिक का बाहर जाने की स्थिति में ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से किसी भी कार्मिक के बाहर जाने की स्थिति में पीईओ यूसीओ महोदय द्वारा जो ऑर्डर जारी किया जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण के माध्यम से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको आना है यहाँ वर्किंग रोल में। यहाँ वर्किंग रोल में आपके विद्यालय का नेम आपको लिखा मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहां ओपन होकर आएंगे। तो आपको यहां एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है पीईओ यूसीओ रोल का, तो आप यहां पीईओ अपना रोल सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप अपना पीईओ रोल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा, वर्किंग एज जो भी पीईओ का नेम है आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ क्लोज का ऑप्शन मिलेगा, तो आप क्लोज पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके उपरांत आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कार्यालय का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब इस तरह से आपके सामने अन्य ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले ही नंबर पर आपको एक ऑप्शन अवेलेबल करवाया गया है कार्मिक ड्यूटी मॉनिटरिंग मॉड्यूल नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब ऑर्डर जनरेट करने के लिए आपको यहाँ तीन चरणों में कार्य करना होगा। पहला चरण रहेगा एड एडिट प्रिंट ड्यूटी ऑर्डर का रहेगा, दूसरा चरण एम्प्लॉय को एड करने के लिए रहेगा, और तीसरा चरण जो रहेगा कैंसिल और रिमूव एम्प्लॉय डिटेल का रहेगा। तो मैं आपको पहले चरण से ही कार्य करना बताता हूँ। आप जिस भी कार्मिक का ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है या उद्देश्य क्या है, किस कारण से कार्मिक का ऑर्डर जनरेट किया जा रहा है, वो कारण आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जिस भी कारण से आप कार्मिक का ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं वो कारण आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सब पर्पस यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिक जो पर्पस आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ऑप्शन डिस्प्ले किए जाएंगे, तो आप यहां से सब ऑप्शन का चयन कर लीजिएगा। अब आपको यहां देखना है नंबर ऑफ स्टाफ, आप कितने कार्मिकों का ऑर्डर एक साथ जनरेट करना चाहते हैं वो संख्या आपको यहां लिखनी होगी। आप अकेले एक कार्मिक का ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं, एक से अधिक कार्मिकों का आप ऑर्डर भी जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। तो आप कितने कार्मिकों का ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं वो संख्या आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रॉम डेट, कब से आप ऑर्डर जारी करना चाहते हैं, स्थान पर जाए वो डेट आपको यहाँ चयन करनी होगी, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। आपके सामने इस तरह का कैलेंडर बॉक्स ओपन होकर आएगा। उसके बाद यहाँ आपको ईयर दिखाई देगा, तो आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको डेट को चयन यहाँ से कर लेना है। इस तरह आपको डेट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। टू डेट, कब तक कार्मिक को आप ऑर्डर जो जनरेट करेंगे वो वहां पर कार्य करेगा वो डेट आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ भी आपको वही प्रक्रिया अपनानी है, सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर डेट दिखाई देने लगेगी। अब आपको यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसको ध्यान पूर्वक आपको रीड करना है। डज लोकेशन स्कूल ऑफिस बिलोंग टू शाला दर्पण पोर्टल, जहाँ कार्मिक जा रहा है वो ऑफिस या स्कूल जो है शाला दर्पण पर मैप है, तो आप यस पर क्लिक करेंगे, और नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप यदि यस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो लोकेशन डिस्ट्रिक्ट के आपसे पूछा जाएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आपको पूछा जाएगा जहाँ कार्मिक जा रहा है, तो आप यहाँ से जिले का चयन आपको करना होगा, तो आप यहाँ से जिले का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ब्लॉक चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा।
जिस भी ब्लॉक में कार्मिक जा रहा है वो ब्लॉक का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद लोकेशन स्कूल ऑब्लिक ऑफिस यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। जिस भी कार्यालय या विद्यालय में कार्मिक जा रहा है उस विद्यालय या कार्यालय का नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। और जिस भी कार्यालय में आपका कार्मिक जा रहा है या विद्यालय में जा रहा है तो आप यहाँ से उसका नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ नीचे दिया हुआ है स्पेशल इंस्ट्रक्शन, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन यदि आप कार्मिक के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ आपको मिलेगा ऑर्डर कॉपी टू, जो आप ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं उसकी कॉपी किन किन अधिकारियों को या संबंधित कार्मिक को फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत के लिए ये कॉपी प्रेषित करूंगा, तो मैंने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है पहले नंबर पर। और दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर दिया गया है संबंधित संस्था प्रधान ऑब्लिक कार्यालय अध्यक्ष को भी मैं संबंधित कार्मिक का ऑर्डर देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद संबंधित कार्मिक को भी हम ऑर्डर देना चाहते हैं तो हमने यहाँ ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कार्यालय हेतु रक्षित प्रत्यावली हम रखना चाहते हैं, तो इस तरह से आप जिसको भी ऑर्डर यहाँ से प्रेषित करना चाहते हैं उनको आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे दर्पण आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेगी, ड्यूटी ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो आपका ऑर्डर जो क्रिएट है उसे शाला दर्पण की ओर से किया जा चुका है। अब आपको यहाँ ओके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ओके पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके पहले चरण का कार्य पूरा हो चुका है, आपको यहाँ दूसरे चरण का कार्य करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है एड एम्प्लॉय डिटेल नेम से जो आपको ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऑर्डर नेम सेलेक्ट करने हैं तो ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिकली शाला दर्पण ऑर्डर नेम यहाँ आपके लिए डिजाइन कर देगी, उस ऑर्डर को आप यहाँ से चयन कर लीजिएगा। आपने कितने कार्मिकों का ऑर्डर बनाया है वो संख्या ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, कार्मिकों को सेलेक्ट करना होगा, जो दो कार्मिक आपने बताए हैं कौन कौन से कार्मिक है जिनके लिए आप ऑर्डर जारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो कार्मिक आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बाय नेम से भी आप कार्मिक को फाइंड कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से भी आप कार्मिक को फाइंड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से आप कार्मिक को फाइंड कर सकते हैं, स्कूल ऑब्लिक ऑफिस से भी आप कार्मिक को फाइंड कर सकते हैं, और पीईओ ऑब्लिक यूसीईओ के जो ऑप्शन आपको दिया गया है इससे भी आप कार्मिक को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल रहे कार्मिक का उस पर आपको जो सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, जैसे मैंने स्कूल ऑब्लिक ऑफिस सेलेक्ट किया है तो मुझे जिला ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ब्लॉक भी ऑटोमेटिकली यहाँ शाला दर्पण की ओर से डिस्प्ले कर दिया गया है। अब आपको यहाँ सेलेक्ट स्कूल या ऑफिस के लिए ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जिस भी विद्यालय के कार्मिकों का ऑर्डर आप जारी कर रहे हैं वो स्कूल आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सर्च एम्प्लॉय का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है, जो भी विद्यालय कार्यालय आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो एम्प्लॉय है उनको सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एम्प्लॉय की सूची डिस्प्ले कर दी जाएगी। अब आपको यहाँ एक एक्शन के नीचे चेकबॉक्स मिलेगा, तो जिस भी कार्मिक को आप ऑर्डर के तहत लगाना चाहते हैं उनके सम्मुख आपको जो ये चेकबॉक्स मिल रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर दो कार्मिक सेलेक्ट किए थे तो मुझे दो कार्मिकों का ऑर्डर जारी करना है, तो मैंने यहाँ दोनों जगह चेकबॉक्स पर क्लिक कर लिया है, यहाँ राइट का निशान हो गया है। यदि आप एक कार्मिक का ऑर्डर जारी करेंगे तो आपको यहाँ एक कार्मिक के सम्मुख ही चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा एड एम्प्लॉय का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप एड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे ग्रीन कलर में आपको यहाँ मैसेज शो होगा एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट ऑर्डर, तो आप जनरेट ऑर्डर पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का ड्राफ्ट ऑर्डर जनरेट होकर आ जाएगा, यहाँ आपको शाला दर्पण आदेश क्रमांक ऑर्डर पर डिस्प्ले किया जाएगा।
आदेश की दिनांक भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, कौन कौन से कार्मिकों के लिए आपने ऑर्डर जारी किया है उनसे संबंधित संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले कर दी जाएगी। आपके पीईओ का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, या आपके यूसीईओ है तो आपके यूसीईओ का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। ये ड्राफ्ट ऑर्डर जो है इसको यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ क्लिक करके इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ नीचे की ओर देखते हैं तो प्रतिलिपि आप किन किन को भेजने वाले हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में सेलेक्ट करके बताया था कि जो प्रतिलिपि आप भेजेंगे उसमें आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो हमने जो सेलेक्ट किया था वही इंफॉर्मेशन आपको यहां पर डिस्प्ले होगी। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपको यहां पर फाइल ऑर्डर नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपकी ऑर्डर बुक आपके विद्यालय में रखते हैं उस ऑर्डर बुक के क्रमांक आप यहां पर लिखेंगे, और उसके बाद किस तिथि को आपने ऑर्डर जारी किया है आपकी ऑर्डर बुक में वो तिथि आप यहां पर टाइप कर लेंगे। फिर आपको यहां ऑप्शन मिलेगा लॉक ऑर्डर का, तो आपको यहां लॉक ऑर्डर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहां लॉक ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, शाला दर्पण आपसे पूछेगी कि क्या वास्तव में आप इस ऑर्डर को लॉक करना चाहते हैं, तो आपको यहां यस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यस पर क्लिक करेंगे आपके कार्मिकों का ऑर्डर शाला दर्पण की ओर से जारी कर दिया जाएगा। आप उस ऑर्डर का प्रिंट आउट लेके अपने पास रक्षित प्रतावली के रूप में भी रखेंगे, और जिन जिन को आपको प्रतिलिपि देनी है उनके नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं उनको आप प्रतिलिपि देंगे। इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से शाला दर्पण के माध्यम से अपने किसी भी कार्मिक का पीईओ यूसीओ महोदय ऑर्डर आसानी से जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों जो प्रक्रिया मैंने आपके लिए शेयर की है वीडियो के माध्यम से वह आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथियों को भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। और आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं निश्चित ही आपके सवालों का जवाब या आपकी समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।